सांप को देख बड़े से बड़े महारथी भी कांप जाते हैं, पहलवानों के पसीने छूट जाते हैं और अगर ये सांप डस ले तो फिर तो होश फाख्ता हो जाए। लेकिन बैतूल के एक युवक ने सांप से उसी वक्त बदला ले लिया। सांप ने युवक को डसा तो युवक ने सांप को काट लिया। नदी पर जानवरों को पानी पिलाने गए मिलाप धरवे को जान के लाले पड़ गए। मिलाप को सांप ने डस लिया, लेकिन उसने जो सांप के साथ किया वो आपको सुन कर देगा। तो मैं उसको उठाया और मैं उसको काट दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, फिर आया मैं चुपचाप घर पे और सो गया। उसने मुझे डसा, मैंने उसे काटा, जिसने सुना रह गया सन। सांप से इंसान ने ले लिया बदला। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कैसे कोई शख्स जहरीले सांप को काट सकता है, लेकिन बैतूल के मच्छी बोरगांव के मिलाप ने ऐसा ही किया और फिर पहुंच गया अस्पताल। उसके सांप के जहर का असर उसके शरीर पर होने लगा था, जिसके कारण उसको जो आया था उसको खून की उल्टियां हुई थी, उसके पूरे मुंह में खून लगा था, लगभग बेहोशी की हालत में था। उसको एंटी स्नेक विनम का उपचार तुरंत दिया गया और उसके कारण अभी वर्तमान में उसकी स्थिति काफी सामान्य है। आदिवासी इलाके का है ये टोटका, सांप को काटो तो उतरता है जहर, लेकिन ये गलती ले सकती है जान। मिलाप के मुताबिक उसने सुन रखा था कि सांप को पलट कर काट लो तो उसके काटे का जहर असर नहीं करता। कुछ नहीं हुआ उसको, जिंदा छोड़ दे। क्यों काटा था आपने सांप? मैंने उसको इसलिए काटा, मेरे को किसी ने बताया था, बुजुर्ग ने, कि उस अपने को सांप काटा तो इसको अपन काट दो तो जहर वापस हो जाता है। लेकिन ये भूल थी, मिलाप को किसी आम सांप ने नहीं बल्कि रसल वाइपर ने डसा था, जिसके 10 दांत होते हैं। अस्पताल में इस युवक को बचाने के लिए एंटी वेनम के 20 डोज दिए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक सांप को काटने की गलती नहीं करनी चाहिए, जहर उतरने की बात कोड़ी किंवदंती भर है। ये मैंने देखा हूँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सांप को काटे और उसको जहर चढ़ जाए या उससे इंसान बच जाए। इंसान को अगर सांप ने काटा है तो उसे अपना इलाज करवाना जरूरी है, बगैर इलाज किए वो बच नहीं सकता। ये उनकी धारणा है, मगर ऐसा नहीं होता, इम्पॉसिबल ये बात। ग्रामीण अंचलों में सांप काटे को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ आज भी पाई जाती हैं, जैसे झाड़ फूंक से जहर उतारना, दूसरा सांप काटे तो उसे काट लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये तो खैर हुई कि मिलाप वक्त पर अस्पताल पहुँच गया और डॉक्टरी इलाज ने उसकी जान बचा ली। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल।